नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं RX24 न्यूज और मैं हूं कुमार देव। चुनाव नजदीक है, यहां से सासाराम विधानसभा से कई प्रत्याशियों ने अपना टिकट जो है भर दिया है। RJD के जो पूर्व विधायक जो विधायक रहे जब वो जदयू में आए, अशोक विधायक, यहाँ पर इनका दावेदारी मौजूद है। मैं अभी आपको बता दूं कि तिलौथू प्रखंड के नायका गांव मोहल्ले में मौजूद है। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या हालत है, क्योंकि यहाँ पर जो नीतीश कुमार के साथ नीचे योजनाएं थी वो बिल्कुल फेल नजर आ रही है, क्योंकि लोग जो वादे करते हैं उसको निभा नहीं पाते हैं और सरकार ये कहती है कि हम पूरी तरह से सक्षम सरकार बना रहे हैं और सारे वादे हमने पूरे कर दिए हैं, सारे भ्रष्टाचारी मिट गए हैं, सारे देशद्रोही मिट गए हैं, हमने सारे नल बना दिए हैं, सारे नल जल योजना पहुंचा दिए, सड़कें बना दी। तो आज हमको जमीनी हकीकत दिखाना होगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है और लोगों का नॉमिनेशन शुरू हो गया है। तो आइए देखते हैं कि लोगों के मन में यहाँ पर अशोक विधायक जो विधायक हैं वर्तमान के, इनके क्या निर्णय है और किस तरह से ये देखते हैं। ताई चाचा से बात कर लीजिए। चाचा जी, राव क्या नाम पड़ी बताइए हमारा? के सुनील कुमार सिंह। तो क्या लगा था, क्या जीती इस बार चुनाव में? अभी तो पार्टी का सिंबल महागठबंधन से जिनको होगा उनको देखा जाएगा, दिया जाएगा। महागठबंधन से तो कौन राउर नजर में मुख्यमंत्री सही कह रही? तेजस्वी प्रसाद। तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री दे रही है जी। तो तेजस्वी के सोच ले, मैंने तेजस्वी के दे दें जी। ठीक बा, तो आई आगे चल के भैया से बात कर देता हूँ। तो क्या क्या लगा इस बार, क्या जीती? तेजस्वी तेजस्वी तो एजा से जो सासाराम से विधायक बढ़ान तेजस्वी के पार्टी से खड़ा बनू का नाम है राजेश कुमार गुप्ता जी। तो कहा लाता हूँ रिपोर्ट दो एक बार दिया का है, कोई कारण आज तक हमने के विधायक अशोक रलन था, आज तक रोड ना बनल, देश आजाद होके से आज तक कोनो गांव में विकास ना भइल, हमने के कीचड़ में फंसल नहीं जा, काहे के वोट दिया उनका। तो आइए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि रोड की हालत देखा है कि रोड की क्या हालत है और क्या रोड की स्थिति है। पहले मैं रोड का जायजा आपको दिखा दूं कि रोड मिट्टी की है, ये रोड जो है पूरी तरह से मिट्टी सी बनी हुई है। ये रोड किसी भी, अगर बाईसाइकिल हम देखते हैं बात करते हैं तो एक मोटरसाइकिल मैक्सिमम जा सकता है, अगर यहाँ से फोर व्हीलर जाए तो लोग यहाँ पर गिर जाएंगे और किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाएगी। तो आई भैया से बात करा जाओ, भैया बड़ा चाचा चाचा क्या लगा था इस बार, क्या चुनाव जीते वाला बा? तेजस्वी तेजस्वी के दम सासाराम से विधायक बना राजेश कुमार गुप्ता, तो क्या लगाता हूँ वोट मिल जाये? अच्छा सर वे लोग दम जा, चल यहाँ ही कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाचा कहते नहीं कि हम तेजस्वी यादव के दम, तो क्या लगाता चाचा क्या जीती इस बार चुनाव में? तेजस्वी प्रसाद यादव जीतेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव, तो चाचा इस बार क्या जीती चुनाव? तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव, तो अशोक विधायक जो यहाँ 10 साल से वोट देनी जा, तिलौथू प्रखंड के हम नायका गाँव में मौजूद बनी, हालत थोड़ा की बा, क्या कारण रहा लेकर? बनेबे लेकिन जब आओ तब कहस के अब बनी, अब की बार बनी, अब की जीता हुआ तो वोट दे दे, हमने के बार पका लेनी है उनका अशोक विधायक। हाँ, फिर भी पार्टी छोड़ के भाग गई, पार्टी छोड़ के। तो इन भैया के कहना हम बैठे के वोट देते तो हमने के बार पक गई लेकिन वो पार्टी छोड़ के भाग गई, ऐसे हालत में कहाँ से रोड बनी। आई लोग कुछ लोगों से और मिलते।